नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, कई बार जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो तो आपके सिस्टम में कुछ इस तरीके का एरर आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होता है तो दोस्तों आपको ना कुछ इस तरीके की एरर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे नो डिवाइस फाउंड, प्रेस एनी की टू रिबूट द मशीन। अब दोस्तों आप कोई भी बटन दबाओगे तो आपका सिस्टम यहाँ पर दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा और जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों दोबारा से आपके सामने सेम एज इट इज़ आ जाती है। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो घर पे बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों ये प्रॉब्लम मेनली दो वजह से आती है, या तो हार्डवेयर की वजह से आएगी या सॉफ्टवेयर की वजह से। अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है तो वो दोस्तों विंडोज़ वगैरह करप्ट हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन दोस्तों विंडो डालने से पहले ना आपको एक चीज़ देख लेनी है अपने सिस्टम में, जो हार्ड ड्राइव होती है आपकी, क्या वो प्रॉपर तरीके से लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर दोस्तों हार्ड ड्राइव प्रॉपर तरीके से नहीं लगी होगी तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों आपको पहले तो अपना जो सिस्टम है उसको शट डाउन कर लेना है और उसके बाद आप इसकी बैटरी को निकाल लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो लॉक लगे हुए होते हैं, इनको दोस्तों प्रेस करके साइड में आपकी बैटरी निकल आएगी। उसके बाद दोस्तों जो लैपटॉप का बैक साइड होता है ना, उसके अंदर एक ये यहाँ पे या तो एक ये स्क्वायर सा बना होगा या साइड में बना होता है या यहाँ पे कुछ इस तरीके का ढक्कन सा होता है, इसको आपको निकालना होता है स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। इसके नीचे दोस्तों आपकी जो हार्ड ड्राइव और रैम होती है वो लगी हुई होती है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसको एक बार ऐसे निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रैम लगी हुई होती है आपकी और यहाँ पे आपकी एक हार्ड ड्राइव। ये प्रॉब्लम मेनली आती है दोस्तों, हार्ड ड्राइव देखो आप लूज़ है बहुत ज़्यादा, और इसको हम अंदर की साइड प्रेस कर देंगे तो हो सकता है अब नहीं आए। और दोस्तों अब यहाँ पे ना कई बार क्या होता है कि जो टेक्नीशियन होते हैं वो यहाँ पे स्क्रू लगाना भूल जाते हैं। इसको एज इट इज़ टाइट करने के बाद और लैपटॉप आपको चालू करके दे देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रू लगाना होता है बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपकी सिस्टम में प्रॉब्लम आती रहेगी। वो यहाँ पर आप एक स्क्रू लगा सकते हो, वो स्क्रू मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ। अब दोस्तों स्क्रू लगने के बाद जो आपकी SSD या हार्ड ड्राइव है वो यहाँ से पीछे की तरफ नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों उसके बाद आपको अपना जो कवर है वो प्रॉपर लगा देना है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। लैपटॉप हमने ऑन कर दिया है, तो दोस्तों आप देख सकते हो विंडोज़ का लोगो बना हुआ आ गया है हमारे सिस्टम में, अब वो वाला एरर नहीं आया। आप देख सकते हो विंडो ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीके से आप अपने घर पे भी ठीक कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। और दोस्तों वीडियो आप अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।